तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमए एमएससी एमकॉम के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में परीक्षा से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स आई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग छात्रों के लिए। तो पूरी अपडेट आपको एक एक करके देखना होगा, जिससे आप लोगों को घर बैठे फ्री में टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। पहली बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, पहली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ओर से, जो भी इसमें बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं उनकी परीक्षा में कुछ बदलाव किया गया है, ये लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। उसके बाद दूसरी अपडेट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जो वर्तमान में संपन्न कराई जा रही वार्षिक परीक्षा पत्र 2021-22 में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से माननीय कुलपति महोदय के अनुसार दिनांक 12/6/2022 को निर्धारित परीक्षा दिनांक 25/6/2022 को तथा दिनांक 19/6/22 को निर्धारित परीक्षा 26/6 को पूर्व निर्धारित समय पर पुनः ही निर्धारित शेड्यूल की जाती हैं, सभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है। तो इसमें ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप लोग यहाँ पर स्कीम और ये जो अपडेट है इसको मैच करके उसी के हिसाब से परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस डेट को जो परीक्षा होनी थी ये स्कीम में देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अगली बड़ी अपडेट आ रही है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ओर से आ रही है। इसमें लिखा है कि 15 जून से शुरू होंगे वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि जो भी बीए बीएससी बीकॉम के फिर एमए एमएससी एमकॉम के जो भी छात्र हैं, ठीक है, उन वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले लें, जिससे आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुके। तो उसके लिए 15 जून का आप लोग स्टार्ट करिए, प्रोसेस जैसे भी स्टार्ट होगा आप लोग अपना भी प्रारंभ कर दीजिएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना, और जल्द से जल्द अपना सबमिट करके यूनिवर्सिटी को सौंप दीजिएगा, जिससे आप लोग को लेट पेमेंट जो फीस पड़ती है उससे आप लोग बच सकें, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट है। अगली अपडेट जो है वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए आ रही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक 2022-23 हेतु स्नातक परास्नातक यानी कि एमबीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2022 तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि पहले जो अंतिम तिथि वो 31 मई थी, लेकिन अब वो बढ़ा के 30 जून कर दी गई। तो आप लोग जल्द से जल्द प्रारंभ कर दें अपना प्रवेश, ठीक है। प्रवेश के लिए आप लोग जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके या फिर किसी के माध्यम से जल्द कर दें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज़ आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कैसे फॉर्म फिल करना सेकेंड सेमेस्टर का, तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में अन्य अपडेट के साथ। अब तक ले जय हिंद।